मणिपाल मेडिकल कॉलेज की ओर से कोरोना मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार को एक कार्डियक एम्बुलेंस और एक सामान्य एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि कार्डियक एम्बुलेंस मरीजों के लिए काफी सुविधा युक्त है, जिसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन और डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बैठने की जगह है। हम लोगों को एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल विथ वेंटिलेटर जो है वो हमेशा चाहिए होता था, ताकि क्रिटिकल पेशेंट्स अगर किन्हीं को कोलकाता ट्रांसफ़र करना है या फिर हायर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो वो लाइफ सपोर्ट व्हीकल की हम लोगों के पास कमी थी। कुछ व्हीकल्स हमारे 108 के थ्रू चलते हैं, बट वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ में जो एम्बुलेंस है उसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इसी क्रम में जब टाटा मणिपाल हमारे पास में आए थे तो हमने चर्चा के क्रम में यही बोला था कि जब एक मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है तो डेफिनेटली इस तरीके की कुछ सुविधाएं अगर होती तो फिर बेटर रहता। तो इमीडिएटली उन्होंने ये कमिट किया था कि हम CSR के माध्यम से आपको एक कार्डिक एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराएंगे, और आज CSR के माध्यम से उन्होंने एक कार्डिक एम्बुलेंस और एक लाइफ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दो एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है। दोनों एम्बुलेंस फिलहाल कोविड मरीजों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल की समाप्ति के उपरांत कार्डियक एम्बुलेंस को गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के काम में लाया जाएगा। अब जो सीरियस कोविड पेशेंट्स हैं जिनको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर ICU वगैरह में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उनके हेल्थ पे काफ़ी रिस्क रहती है, वो हम लोगों को सपोर्ट इमीडिएटली से मिल जाएगा, ताकि पेशेंट के ट्रांसफर के टाइम में भी उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बने रहें। जमशेदपुर प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के समुचित इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और अन्य चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट।